वहीं बढ़ते हैं आगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जसपुर एसडीएम गौरव सिंह चटवाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारियों, सेक्टर मैजिस्ट्रेटों और मतदाताओं की सुख सुविधाओं के मद्देनजर जसपुर क्षेत्र के प्रत्येक बूथों का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। बूथों की खामियों को दुरुस्त कराने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि मतदाताओं और पीठासीन अधिकारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। जसपुर से दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, अब चूँकि अब चुनाव बिल्कुल आसन है और सर पे है, और तो इलेक्शन कमीशन से भी सभी एआरओ को निर्देश हैं कि वो अपने पोलिंग बूथ्स का भ्रमण कर लें, और पोलिंग बूथ्स पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ वही हम उसको देखते हैं कि रूम्स में दो दरवाजे हों कम से कम। वैसे ये किसी जगह ये पॉसिबल नहीं भी हो पाता तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोशिश यही है प्राथमिक तौर पर की जाए कि दो दरवाजे हों, लाइन सही से लग जाए, फर्नीचर हो। तो वो चीज़ों को देखते हुए आज जो है हम शहर के कुछ बूथ्स का निरीक्षण कर रहे हैं, और ये आगे भी जारी रहेगा और हमें सभी बूथों को एक बार कवर करना है। लगभग 145 बूथ बनाए गए हैं सर, इसमें से कितने मॉडर्न और सखी बूथ बनाए गए? ये सभी विधानसभाओं में मॉडर्न में एक एक मॉडर्न बूथ, एक एक सखी बूथ और एक एक पीडब्ल्यू वोटर्स के लिए एक एक बूथ बनाया गया है, और उसमें जो भी उनके लिए सुविधाएं होंगी उसका भी ध्यान रखा।